आज की क्लास में चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक हर्बेरियम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स एक्सप्लेन किया था और आज की क्लास का टॉपिक हर्बेरियम एग्जाम्पल है टैक्सोनॉमिकल एड्स का। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप इसके एग्जाम्पल्स को क्लियर करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स और बढ़िया तरीके से समझ आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ठीक है, तो हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस विच आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, अब इसको ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है आपको, क्या है ये हर्बेरियम्स, क्या है? तो ये स्टोर हाउस किसका है? प्लांट स्पेसिमेंस का है, नॉट एनिमल्स। यहाँ पे आपको एनिमल वर्ल्ड को इंक्लूड नहीं करना है। और जहां तक बात आती है हर्बेरियम टर्म की, ये टर्म अपने आप में सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, पता ही आपको। ठीक है, देन बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो क्या होने चाहिए, ये ड्राइड मतलब ड्राई फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ड्राई क्यों होने चाहिए ये। ठीक है, आप कहीं से फ्रेश लीफ को प्लांट से डिटैच करके लाते हैं, आपने उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर पेस्ट किया, ठीक है, और उसको बंद करके आपने काफी टाइम तक रख दिया। ठीक है, होगा क्या, उसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद जब आप उसको ओपन करके देखेंगे वो खराब हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में आप उसका यूज नहीं कर सकते अपनी स्टडी के लिए, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट या दूसरा कोई पर्सन यूज नहीं कर सकता उसको अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको ड्राई क्यों करना है। देन बात क्या आती है, प्रेस्ड। ठीक है, अब जब आप नॉर्मल से लीव्स को, रूट्स को या किसी प्लांट पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, फ्लावर्स को देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, वो प्रेस्ड फॉर्म में तो होते नहीं, बट ऐसा तो है नहीं कि आप उसको एज इट इज उसी 3D फॉर्म में ही आप उसको सेव करके रखिएगा, तो वो बंद ही नहीं होगा हर्बेरियम शीट आपका, प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो कैसे होने चाहिए, वो प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उस तरीके से इनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लांट स्पीशीज पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कई बार लोकलाइज्ड होते हैं, स्पेशली इसी लोकेशन में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोनिकल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं तो आपको पता है कि कहाँ मिलते हैं, ठंडी जगहों पे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे में इसका क्या किया जाता है, सोर्स पे लिखा जाता है कि कहाँ से आप उस प्लांट स्पेसिमेन को लाके वहां पे पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वहां पे उसको कलेक्ट करने वाले का नेम भी मेंशन करना होता है। ठीक है, कलेक्टर्स नेम भी वहां पे क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। ठीक है, और लेबलिंग तो बहुत ज्यादा मस्ट है वहां पे, क्योंकि विदाउट लेबलिंग उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे अच्छा और जीरो लेवल का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, हर्बेरियम शीट्स तैयार करनी है, इसके लिए मोनोकॉट्स के लिए और डाइकॉट्स के लिए, उसमें 5 आपको मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल लगाने और 5 आपको डाइकॉट्स के एग्जाम्पल लगाने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मोनोकॉट्स को जब आप रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, उसको आप पहचानते कैसे हैं, आपको मोनोकॉट के लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और डाइकॉट्स में आपको रेटिक्यूलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपको आसानी होती है इनको पेस्ट करने में और कैटेगराइज करने में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको उस प्लांट का भी नाम लिखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए मोनोकॉट्स में आपने मेज के लीफ को पेस्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो आपको वहां पे सोर्स प्लांट का नेम भी लिखना पड़ेगा, मेज प्लांट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कलेक्ट किया है, आप अपना नेम भी लिखेंगे, उसका जो सोर्स है जहां से आप उसको उठा के लेके आए हैं, जहां से आपने उसको लिया है, उस सोर्स का भी नाम आपको क्या करना है, वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, तो हर्बेरियम इस तरीके से क्या है, ये भी एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। किस चीज के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि आखिर क्या रीजन है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के एग्जांपल में आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे हर्बेरियम की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और हर्बेरियम शीट्स आपको तैयार किस तरीके से करना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thank you for watching.